नमस्ते दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो संस्कृति, इतिहास और प्रकृति का संगम है। यह है उड़ीसा का गोल्डन ट्रायंगल, जो कि भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क का अद्भुत प्रीत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यादों भरी यात्रा का सफर, जहां हर जगह अपनी एक अलग बात कहती है। मेरा नाम प्रमोद सेनापति और मेरा नाम मोहन। ज्यादा अच्छा हो जो कोई चीज अच्छा बहुत ज्यादा होता ना, तो मुंह से ज्यादा पानी निकलता है। जर्नी अपनी स्टार्ट हो चुकी है, आवाज कम आ रहा होगा, सुनाते ले चल। एसी में आकर भी तो जनरल वाला हाल है जरा। स्पीड जर्नी में मजा तो आ रहा है, स्पीड वॉक स्पीड दिखा। अभी दुरंतों की मैक्सिमम स्पीड 138 है। और अच्छा, दुरंतों एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दुरंतों एक्सप्रेस जो है वो 2009 में शुरू हुई थी, लेकिन दुरंतों को एक्सप्रेस का मतलब है कि कई सारे स्टेशन को पार करके ये कम रूट में आपको एक जगह पहुँचा देता है। तो हमारे जो जर्नी है वो ये दिल्ली से भुवनेश्वर है, जिसमें सिर्फ 5 स्टेशन आएंगे। राजधानी का यूज़ करो, दुरंतों का यूज़ करो, लेकिन सबके वॉशरूम एक जैसे ही है भाई, गंदे के गंदे। दुरंतों एक्सप्रेस के बारे में इतना सुना था, उतना तो कहते ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। इनकी पानी की सर्विस वाज टू बैड, टू बैड शुगर। अभी टाइम हो रहे हैं 6 बजे, स्नैक्स आया है। ये स्नैक्स का रिव्यू देंगे हमारे। अभी जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है, सैंडविच तो बहुत बेकार है, और नमकीन तो ऑब्वियस सी बात है, हर जगह सेम ही होती है, और कुछ खास है नहीं इधर खाने का। अभी हम कानपुर जंक्शन पहुंच गए, शाम के 6:15 हो गए, बट इसको 5:35 में पहुंचना था। फाइनली 10 किलोमीटर दूर रह गया भुवनेश्वर के लिए। Turn left onto VIP Road. Third exit onto Chakra Tirtha Road, Governor. अभी हम पूरी बीच के नियर बाय में हमने एयर बीएनबी हमने किया। ये टैरिफ हमें 2500 तक का पड़ा। अभी हमने जर्नी की शुरुआत नहीं करी है, बट पूरी बीच में हमने पूरी का सफ़र शुरू कर दिया है। पूरी जगन्नाथ पहले नहीं गए, लेकिन हमने पूरी बीच में जाकर काफ़ी चीज़ें हमने इंजॉय कर लिए। उसके बाद काफ़ी लेट है, हम अभी शाम की आरती भी हमने मिस कर दी है। जो फ्लैग्स चेंज होते हैं 4 से 6 बजे के बीच में, वो भी हमने मिस कर दिया है। तो अभी हम तैयार हो गए, नहा धो के अभी फ्रेश हो के सीधा हम जगन्नाथ मंदिर के जा रहे हैं। प्रॉपर्टी का नाम बताना भूल गया, प्रॉपर्टी का नाम है लक्ष्मी कुटीर। तो ये लक्ष्मी, उड़ीसा की गलियों में तो आए हैं, लेकिन ये गलियों में ऐसा लग रहा है जैसे ये बनारस की गलियां हैं, बट
उड़ीसा का है बट अच्छा है। अभी हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने आए हैं बट समय थोड़ा लेट है, लेकिन हम दर्शन जरूर करेंगे। मेरे सामने जो मंदिर दिख रहा है जगन्नाथ पुरी, ये चारों धाम में एक माना जाता है। और मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब मेरे सामने मैं कुछ ऐसी चीज़ देख रहा हूँ जो वीडियो के माध्यम से आप देख नहीं सकते। आप रात को आएंगे तो जैसे ये दिख रहा है बस, क्या कमाल का दिख रहा है, क्या कमाल का दिख रहा है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, मज़ा आ गया। ये एक्सपीरियंस आप लाइव ज़रूर देखना। ये देखिए रात के टाइम अभी 7 बज रहे हैं तो ये मज़ा आ रहा है इसको देखकर। चलिए एंट्री पूछते हैं, आप एंट्री कहाँ से होगी इसके बाद। सर ये मंदिर की एंट्री कहाँ से होगी? चारों द्वार में चार गए, जोता स्टैंड है, हाँ स्टैंड है, बेल्ट वगैरह, हाँ हाँ वो गेट है, जो घर है ना वही व्हाइट में लिखा है ना, वही सफेद बोर्ड वाला, हाँ वही स्विच स्टैंड है। एक गेट है, ये पश्चिम गेट है, तो जहाँ से एंट्री होगी, हाँ जो लाइन पे आना पड़ेगा, दक्षिण गेट जाओ, दक्षिण गेट जूता स्टैंड पे जूता रखो, सरकारी जूता स्टैंड पे लाइन से आके पश्चिम गेट से जाने का है। तो जूते स्टैंड चारों गेट में है। अच्छा ठीक है, जैसे यहाँ लोग बाइक ला के रखे हैं, ये बाइक स्टैंड है जगन्नाथ मंदिर का। हाँ, वो सरकारी जगह में बाइक स्टैंड है, ये फ्री में। धन्यवाद। मंदिर के चार द्वार, सिंह द्वार, अश्व द्वार, हस्ती द्वार एंड व्याघ्र द्वार। बैग बैग जी। किस आपके पार्क है? हाँ। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव पुरी का प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर का इतिहास 1000 साल पुराना है और ये भगवान जगन्नाथ, भगवान भद्र और देवी सुभद्रा के समेत हर साल यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन होता है जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। मंदिर के दर्शन करके तो आगे, लेकिन हम वीडियो वगैरह ले जाना अलाउड नहीं था, कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, यहाँ तक कि बेल्ट, पर्स और जूते वगैरह ले जाना अलाउड नहीं था। उसका रिकॉर्डिंग तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम और अच्छी बात है कि वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें बिना कैमरे के अच्छी लगती है। तो आप जाएंगे तो आपको जो महाप्रसाद है वो एक महाप्रसाद कब बनना शुरू होता है? वो महाप्रसाद 6 बजे शुरू होता है, सुबह 6 बजे शुरू होता है। जनता को कब से ये फंस गया सी है, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वो टाइम 1 बजे जो है महाप्रसाद मिलना शुरू हो जाता है। कब तक मिलता है? रात कितने बजे तक? रात 10 बजे शुरू बंद हो जाता है 10 बजे तक बंद हो जाता है। प्रसाद में क्या क्या होता है? जब मैं अंदर गया के खा के आऊँ, मुझे 6 प्रकार के प्रसाद मिले, मतलब एक इसमें बीच में चावल था, चावल डालमा था, एक मीठा भात था ना, हाँ, भात। आप बताइए, मैं मुझे नाम नहीं पता बट 6 प्रकार थे टोटल। मेरे को पता नहीं, पता नहीं आपको ना। चलो, लेकिन आप यहाँ के हैं, पुरी के हैं आप? पुरी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा आपसे। The next day, पुरी में हमारा दूसरा दिन हो गया। हमने पुरी का चेकआउट कर लिया, होटल जो है बहुत लेट, अर्ली लेट हो गए हम लोग। तो अभी पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सामने हम लोग नाश्ते की तलाश कर रहे हैं। प्लानिंग हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि हमारे पास 2 दिन का प्लान था पुरी का, लेकिन पुरी में हम 2 लोग 2 दिन रुकेंगे नहीं। यहाँ से हम पहले मेरे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, उनको लेके कोणार्क मंदिर जाएंगे,
उसके बाद फिर वापस आएंगे हम पूरी गोल्डन बीच के लिए। सुना है आज शनिवार है तो गोल्डन बीच में ज़्यादा चहल पहल होगी, तो वो एक बार देंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे नाश्ता देख रहे हैं, तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ नाश्ता दही बड़ा आलूदम बड़ा फेमस है, तो वो एक बार ट्राई करते हैं दही बड़ा आलूदम कहाँ मिलता है। और साथ में उसके बाद हम जो कल रात को गजा ढूंढ रहे थे वो भी हम दिन में ढूंढेंगे। दिन में मंदिर काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक बार रात को जरूर देखिए। रात को मंदिर का दृश्य अलग ही दिखता है और दिन में अलग दिखता है, तो एक बार रात को जरूर चेक करें। तो चलिए पहले नाश्ता किया जाए। अच्छा ये रिक्शे वाले एम्पल बहुत बढ़िया, उन्होंने 400 रुपये लिया हमें वो फ्रंट गेट पे जहाँ पे दही बड़ा आलू दम फेमस है, वो वहाँ तक ले जाएंगे हमें, और वहाँ से हम यहाँ की फेमस डिश दही बड़ा आलू दम वो खाएंगे। बट टेस्ट करते हैं, नाम बहुत सुना है कभी खाया नहीं, तो टेस्ट करके देखते कैसा है। ये हम कल यहीं पे हमने शूट किया था, आप वीडियो देखोगे तो, और यहाँ इन्होंने अब थोड़ा सा रातों रात कुछ ना कुछ बना दिया है। तो है अच्छा यहाँ मिलता है, धन्यवाद आपसे। ठीक है जी, अभी हम कन्हैया लाल बारवाड़ी भोजनालय हमारे रिक्शे वाले के रेफरेंस से हम लोग यहाँ आए। यहाँ हम लोग यहाँ पर उन्होंने बताया कि दही बड़ा आलूदम बहुत फेमस है, तो हम यहाँ पे दही बड़ा आलूदम एक बार ट्राई करेंगे। और साथ साथ में हमारे मेरे साथ एक रोकी लाल चल रहा है, उसके लिए कुछ ऐसी डिश जो उसको यहाँ पसंद है, अभी तक उड़ीसा का कोई डिश पसंद नहीं आया, तो थोड़ा सा उसके लिए कुछ देखते हैं कोई दिल्ली वाला कोई डिश हो, उसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है इसका दही बड़ा आलू दम। दही बड़ा आलू दम मिल जाएगा, वो कहाँ मिलेगा? मेंदू बड़ा, मेंदू बड़ा तो खाया है हमने, यहाँ पे नहीं मिलेगा। अरे यहाँ नहीं मिलेगा भी। अच्छा वहाँ पे एक जाम गए थे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ तो एक्चुअली में दही बड़ा नहीं था, वहाँ पे साउथ इंडियन डिश था जहाँ डोसा वगैरह मिलता है, तो हमें तो एक्चुअली हमें खाना है वही है जो उड़ीसा में मिलता है, डोसा वगैरह हम खा चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हम शॉप पे आए थे, ये यहाँ पे नींबू थोड़ा मिलता है, तो हमने मेरा तो अगर आप पूरी में आ रहे हैं तो नींबू थोड़ा पता क्या है पूरी में आ रहे हैं ये तो पानी वानी पीते रहिएगा, गर्मी बहुत है, हाइड्रेटेड रहिएगा। और नींबू सोडा अभी लिया है, इसका टेस्ट अच्छा है, बढ़िया है, गर्मी में आप ही ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। तेरे को लेक्चर देने के लिए बोला है, वीडियो खराब कर दिया नहीं कैसा टेस्ट? टेस्ट अच्छा है, काफी अच्छा है, बढ़िया। नींबू नींबू सोडा जैसे होता है एकदम वैसे, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन अगर कोई पीना चाहेगा तो आके पी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आके आराम से पी सकते हैं। कहाँ पे है ये लोकेशन हम आपको दिखाते हैं, जगन्नाथ मंदिर के एक द्वार से सामने जस्ट जहाँ पे रथ यात्रा चलता है स्टार्ट हो, वहीं पर शक्कर डाल दे, हल्का डाल दे डक्कर, ये शक्कर है, शक्कर है, नमक नहीं डाला, नमक नहीं डालना, आई चला क्या डाल दिया? मसाला ले, मसाला। ये क्या है, इसमें क्या है? ये लेमन जीरा है, वही बनाओ ना, तुम नमक नहीं डाला बोला, ये नमक डाला हुआ है, डाला हुआ है ना, चलो मसाला ले, हाँ डाल दो। क्या बात है मैंने अभी लाइफ में ये कस्टमाइज नींबू पानी है भाई, इसका कोई सीक्रेट मसाला नहीं है, ये रसना का मसाला जो दिल्ली में जो जीरा मिलता है ना 2-2 रुपए का पैकेट में, वो इसने डाल दिया, बर्फ डाल दिया, नींबू डाल दिया, आप पी लो भाई टेस्ट। बुराई भले कितनी कर दो लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया है इसका। अच्छा है,
एक्चुअली में अच्छा है तो भैया अच्छा है। हमने जैसे जलजीरा हम दिल्ली में पीते हैं वैसा तो नहीं है बट अच्छा है, यहाँ के हिसाब से अच्छा है, गर्मी के टाइम पे अच्छा है। कह रहा है कि अगर और अच्छा चाहिए तो एक और ऑर्डर करो। जैसे जैसे ऑर्डर करते जाओगे वो वैसे वैसे और अच्छा निकलता जाएगा। फाइनली हमें दही बड़ा आलू दम का प्लेस मिल गया है। अच्छा तो ये है दही बड़ा आलू दम, लेट्स ट्राई। उड़द का दाल का बड़ा होता है ना जो हम दही बल्ले खाते हैं, दही बल्ले खाते हैं, ये दही बल्ला है, ये वाला दही बल्ला है और उसके ऊपर आलू की सब्जी है और उसके ऊपर इन्होंने नमकीन डाल दिया और इसमें खीरा टमाटर भी डाला हुआ है तो काफ़ी यूनिक टेस्ट है। दूसरी बूढ़ी साहब मिलता और कहीं नहीं मिलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टेस्ट करो प्लीज। ओरिजिनल नरसिम्हा स्वीट्स, ओडिया में असली नरसिम्हा स्वीट्स। अच्छा ये यहाँ का ओरिजिनल है? हाँ। और क्या है ओरिजिनल यहाँ पे, मतलब ये जो बाहर था वो क्या था? वो बाहर नकली था, नकली था, इसके जैसा और भी लेख देंगे ना नाम। नकली क्यों है? मतलब यहाँ नरसिम्हा के कोई बेटे वगैरह हैं कि क्या ऐसे? नहीं नहीं, उसका पिता है, फोटो लगा है ना देखो। हाँ फोटो तो ये इधर भी फोटो लगा है। अच्छा मर गया ना इनके बेटे। अच्छा इनका नाम क्या था? इनका नाम क्या था? इनका नाम है सिर्फ गंगा भाई ना। सिर्फ गजा मिलता है? हाँ गजा मिलता है, सब पकड़ा, छेनापोड़ चाहिए ना आपको? हाँ, छेनापोड़ सब मिलता है, रसगुल्ला। यहाँ से हमने देखे चार प्रकार की मिठाई और एक देसी घी का गाजा, ये ओरिजिनल वाले से लिया हमने। तो अब इसका टेस्ट क्या पता चलेगा, देखिए ये रसगुल्ला है, रसगुल्ला ये है, छेना पोड़ा ये है, ब्रेड छेना का ब्रेड और ये है। अच्छा ये चारों चीज़ें छेना से बना हुआ और ये है यहाँ का ट्रेडिशनल ओरिजिनल खजा। स्टार्ट इससे करते हैं ओरिजिनल से। मैदा और चीनी जैसे कि सिर्फ यही तीन चीजें और कुछ नहीं, और क्या कमाल का टेस्ट आ रहा है। वर्थ इट, छेना गजा खाते हैं। और ये छेना का ब्रेड वाला पिज्जा है, एक बार ये गाय माता भी आ गई हमारी। ट्रेडिशनल रसगुल्ला, रसगुल्ला बोलते हैं ना इसको, रसगुल्ला।
एज यूजुअल जैसा लगता है, क्योंकि ये एक नई डिश है यहाँ पे। ये वेरी सरप्राइज, चारों मीठी चीज लीजिए, चारों का टेस्ट अलग अलग आ रहा है मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द फेवरेट है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से हम वापस मंदिर को जाएंगे, वहाँ से फिर कोणार्क टेम्पल। प्लान थोड़ा हमारा चेंज हो गया है, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो जगन्नाथ मंदिर के अभी भी हैं अंदर, तो अभी टाइम जो है लगभग 2 बजने को है। तो हमारा टाइम प्लान कुछ था कि हम कोणार्क मंदिर जाएंगे, बट अभी फ़िलहाल अभी प्लान थोड़ा चेंज, जब तक पेरेंट्स नहीं आते। हमने एक छोटा सा एक एयर बीएनबी में एक रेजिडेंट बुक किया था, और सरप्राइजली बहुत अच्छा रेजिडेंट है। अब ये इसका मास्टर रूम है, जो कि काफ़ी बेहतर है। सबसे बड़ी बात, हमें समय का पता चलता रहेगा कि टाइम कितने को, क्योंकि काफ़ी बड़ा घड़ी है। कोणार्क का हम आज का प्लान है हमारा, 4 बजे तक हम कोणार्क अगर जा सकते हैं तो चले जाएंगे, अदरवाइज़ फिर प्लान फिर चेंज करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। जब तक पेरेंट्स नहीं आते तब तक कुछ कह नहीं सकते मैं। भैया को कुछ मिल गया? हम तो इस होटल में ही है, होटल के अपार्टमेंट में ही है। तो अपार्टमेंट में हमने नूडल्स और एक वेज बिरयानी बनाया। पूरी में हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि अपने पास आज का दिन पूरी में ही निकला हमारा, तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और देखते हैं। और स्कूटी हमने ये मिली है, स्कूटी रेंट पे, तो हमने लास्ट में स्कूटी रेंट पे ले ली। और हम बीच जाएंगे, बीच पे देखेंगे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ स्ट्रीट फूड होंगे तो वहाँ कुछ खा लेंगे। मैं अभी पुरी का फेमस गोल्डन बीच में आया हूँ, जो कि जहाँ से शुरू होता है मार्केट प्लेस और पूरा जाता है, अब मतलब 6-7 किलोमीटर तक जाता है ये। तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इसको और मज़ा आएगा। उनका कितना चार्जेस है? एक आदमी के, बड़ा आदमी से 100 रुपया, बच्चे का 50 रुपया। बच्चे का 50 है, बड़े आदमी का 100। लेडीज वेडीज कुछ नहीं? लेडीज भी बड़ा होगा? लेडीज बड़ा को 100, बच्चे लेडीज होगा जेंट्स 100। अच्छा 100 है। एक ही बंदा इस पे चढ़ सकता है? नहीं, 4 बच्चे चढ़ते, 6 बच्चे चढ़ेगा और 4 आदमी आदमी 4 आदमी बैठ सकता है। 2 आदमी बैठेगा तो 2 आदमी का 200 रुपया लगेगा। तो हम लोग बैठते हैं, और कहाँ तक आप कहाँ तक ले जाते? 100 मीटर जाना, 100 मीटर आना, 200 मीटर यहीं से लेगा, फिर यहाँ से ही छोड़ोगे। 100 मीटर जाना, 100 मीटर आना। तो एक सफर हम करते हैं इस 200 रुपए में, इसको आप चढ़ाइए, हमें क्या चढ़ाइए। पुरी में बीच में घूमते घूमते हमें एक चाट वाला मिला है, पूरी मतलब पफ राइस। टेस्ट करते हैं इसको। वाह, पूरी में मेरे को अभी तक ये लग रहा है कि ये मेरा सबसे हेल्दी डिश यही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब अनहेल्दी चीज मिलता है, पर ये एक हेल्दी चीज है। तो अब पूरी में जब बीच में आएंगे तो आपको
ऐसे दुकानें बहुत मिलेंगी। तो ऐसे दुकानों में आप एक झावल मुड़ी है जो पफ राइस होता है उसको मिलता है, और एक चना मसाला जो से दिल्ली में मटर होता है उबले हुए, जैसे छोले कुलचे, छोले कुलचे का चूल्हा ये, उससे ही बनाया। मत बहुत चटपटा और बहुत स्पाइसी आ रहा है, स्पाइसी अपने हिसाब से आप बोल सकते हैं उसको, तो वो चेंज कर देगा। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि ये कैसा एक्सपीरियंस है मेरा, कि हाथ में चना मसाला और पाम में समुंदर की हवा, ये खाना मेरी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप कभी आए तो ये तो जरूर ट्राई करें। गोल्डन बीच पे रात के टाइम